राजधानी भोपाल में सरकारी स्कूल में मासूम बच्ची के साथ रेप के मामले में कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस ने पैदल मार्च करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव करने की तैयारी की थी, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा का कहना है कि मध्य प्रदेश के स्कूल के बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। प्रदेश में जंगल राज स्थापित हो चुका है, जिसके चलते प्रदेश में सरकारी स्कूल भी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस महिला अध्यक्ष विभा पटेल का कहना है कि सरकार भले ही दावा करती हो कि बच्चियों को पढ़ाने की पूरी व्यवस्था है, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस की मांग है कि ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए। सरकारी स्कूल में कोई फिजा में जिस तरह से बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई है, आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री चाहे जितनी बातें करें, लेकिन आज हमारे प्रदेश की बच्चियां सुरक्षित नहीं है। ये उन्हें पढ़ाने की बात कर रहे हैं, और स्कूल में ही जब बच्चियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, सरकारी स्कूल में बच्चियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो माँ बाप अपनी बच्चियों को कहाँ भेजे। आज ऐसे दरिंदों को फांसी होनी चाहिए, हमारी ये मांग है। कहाँ सुरक्षित होगी ये? कहाँ है सीएम इंफ्रा के स्कूल? ये इस तरह के भेड़ियों को चौराहे पर फांसी दे, तब जाके इस तरह चीजें रुकेंगी, इस तरह के अत्याचार दुष्कर्म रुकेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न बेटी बच रही, अरे स्कूल में जब बलात्कार होगा तो बचेगी और पढ़ेगी? ये दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है शिवराज सिंह चौहान की सरकार। जो शिक्षा मंत्री हैं परमार जी, उनको इस्तीफा देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।